बंगले के बाहर धरने पर बैठे रहे चंदला भाजपा विधायक राजेश प्रजापति। कलेक्टर सीएल सिंह ने बाहर आकर पूछा, क्या काम है, काम बताओ, तो नहीं बता सके विधायक। भाजपा सरकार की करा रहे किरकिरी, छतरपुर रात में करीब 8 बजे चंदला भाजपा विधायक राजेश प्रजापति कलेक्टर सीएल सिंह से मिले, उनके बंगले पर पहुंचे और कलेक्टर बंगले के सामने ही धरने पर बैठ गए। 8 बजे से रात में लगभग 11 बजे तक भाजपा विधायक राजेश प्रजापति बिना दरी चटाई के धरने पर बैठे रहे। जैसे इसकी जानकारी अधिकारियों को लगी तो एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, सीएफओ, सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। विधायक जी को अधिकारियों ने धरने पर उठने की समझाइश दी और कलेक्टर साहब से मिलने की बात कही। देखिए, विधायक जी अपनी हट पर खड़े रहे, उनका कहना था कि कलेक्टर साहब बाहर आकर ही मुझसे मिले। इतना ही नहीं, मीडिया से उन्होंने कहा कि मैं दलित विधायक हूँ, इसलिए कलेक्टर साहब मुझसे नहीं मिलना चाहते। फिर क्या था, धीरे धीरे रात होती गई और करीबन रात के 11 बज गए। इस दौरान अधिकारियों ने कई बार जाकर विधायक से कहा कि कलेक्टर साहब के बंगले के अंदर चलकर आप मिल लेंगे। उन्होंने अंदर जाने से और मिलने से साफ इनकार कर दिया। फिर क्या था, धरने पर बैठे विधायक राजेश प्रजापति भाजपा के सभी पदाधिकारियों को फोन लगाते रहे, लेकिन फोन लगाने के बाद भी कोई भी भाजपा का नेता वहां नहीं पहुंचा। कलेक्टर सीएल सिंह ने बंगले के बाहर आकर विधायक जी से पूछा, बताओ रात में ऐसा कौन सा काम है कि आपको धरने पर बैठना पड़ा, तो चुप रह गए विधायक। रात करीब 11 बजे कलेक्टर सीरेंद्र सिंह बंगले से बाहर आए और विधायक राजेश प्रजापति से पूछा कि बताओ विधायक जी क्या काम है, तो विधायक जी गोल गोल जवाब देते हुए नजर आए। फिर कलेक्टर ने कहा कि बताओ क्या काम है। कलेक्टर के बार बार कहने के बाद भी भाजपा विधायक राजेश प्रजापति ऐसा कोई काम नहीं बता पाए जो जनहितैषी हो। इतना ही नहीं, विधायक जी की बोलती बंद हो गई। विधायक सिर्फ इतना कहते नजर आए कि आपसे मिलना था। कलेक्टर साहब ने कहा कि मिल लिया ठीक है, अगर कोई जनहितैषी समस्या हो तो लिख कर दे दो। लेकिन विधायक जी ने लिखित में भी कोई शिकायत कलेक्टर को नहीं दी और चले गए। क्या है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आया था। मेरे साथ में बछौन के मंडल अध्यक्ष, मेरी पार्टी के श्री लखन अवस्थी जी मेरे साथ में हैं और हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने के लिए 4 बजे उनके ऑफिस में गए। 4 बजे वो ऑफिस में नहीं मिले, 5 बजे तक हमने इंतज़ार किया। 5 बजे जैसे वो आए तो वो जाकर मुख्यमंत्री जी साहब की वीसी थी तो उसमें चले गए और मैंने पूछा साहब मिलना है, तो बोले कि बैठो मैं आकर के मिलता हूँ। हम लोग वहाँ इंतज़ार करते रहे, वो अपना गाड़ी में बैठे और सीधे बंगला में आ गए, बंगले के अंदर आ गए। हम यहाँ पे मिलने के लिए आए कि भाई आपने ही बोला था कि आप बैठो, हम आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मिलने के लिए आया। संतरी से पूछा, मैंने कहा कि भाई कलेक्टर साहब से मिलना है आप, उनने फ़ोन लगाया कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब ने कह दिया कि वो मैं घर पे नहीं हूँ, बता दो। और अंदर से आरटीओ साहब निकल के आए मिल करके। आरटीओ साहब से मैंने पूछा कलेक्टर साहब कहाँ हैं, बोले अंदर हैं, घर के अंदर हैं, अभी मिल के आ रहा हूँ। तो अधिकारी कर्मचारियों से मिल रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र, एक दलित नेता, एक ऐसा विधायक जो अंतिम छोर के इलाके से आता है, उस आदमी की समस्याओं को सुनने का उनके पास समय नहीं है, वो आकर के मुलाकात नहीं कर सकते हैं। जी, आप कांग्रेस के शासन में भी जो कलेक्टर थे, आप उसके भी धरने पर बैठ गए थे एक चैंबर के बाहर, और भाजपा के शासन में आपके शासन में भी धरने पर बैठ नहीं, कांग्रेस उपेक्षा करते हैं विधायक। आप देख लीजिए, उपेक्षा न की होती तो वो मिल लेते। मैंने 10 बार फ़ोन लगाया, उनने 10 बार फ़ोन नहीं उठाया। फिर आप अंदर से कह रहे हैं कि आ जाओ अंदर। अंदर कहाँ से आ गए आप, ऊपर से उड़ के आ गए, कहाँ से आ गए, अंदर घुस गए। तो आप एक तरह से उपेक्षा ही कर रहे हैं, एक अभद्रता हो ही रही है। इनने अधिकारियों के साथ में, सभी अधिकारियों से आप पूछ लीजिए, कर्मचारियों से, कि इनका व्यवहार कैसा है, क्या संतुष्ट है, इनके प्रति क्या संतुष्टता दिखाई है इनने। भाई आप तो देखिए, सामने ही देखिए रिजल्ट कैसा है। मैं यहाँ पे इसलिए बैठ गया कि भाई जब 3 लाख जनता का जनप्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, तो किसका फ़ोन उठाया जाएगा और किसकी बात सुनी जाएगी, किससे मिलते होंगे। हटाने की मांग करेंगे सरकार, बिल्कुल इनको हटाया जाए या फिर ऐसा दंडित किया जाए कि भाई ये सब सबक सिखाया जाए कि इनसे सबसे मिले, जनता से मिले, जनता के लिए बैठा है, जनता के नौकर हैं, ये सेवक हैं। कब तक बैठे रहेंगे, जब तक वो बाहर से आकर के मिलेंगे नहीं।
अब अंदर से कैसे आ गए हमें समझ में नहीं आ रहा है। अंदर बुला रहे हैं, प्रोटोकॉल ये कहता है, एक विधायिका का प्रोटोकॉल कहता है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो कलेक्टर मिल जनप्रतिनिधि को